कैसी है मेरी प्यारी पैसी YouTube फैमिली, अल्लाह के करम से ठीक ठाक होगी। अल्लाह सबको अपने हिस्से ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मी। यही दुआ मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमर के लिए और मेरी फैमिली के लिए किया करें कि अल्लाह सबको अपने हिस्से ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मी। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज। वीडियो शुरू करने से पहले जो कांडली आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपकी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इरम आपकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कांडली जल्दी से जाए इरम आपकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलती रहे। तो आज की मैं बात करूंगी जो मैं नहीं करना चाहती थी। मैं अपनी रोज की रूटीन की वीडियो बना रही थी, मैं अपनी हर वीडियो में कहती थी कि अगर वहां से शुरुआत हुई तो फिर हम उसका जवाब देंगे, नहीं तो हमें उस तरफ लेके ना जाओ। मैं अपनी हर वीडियो में ये कहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि मैं उस रास्ते पे चलूं, क्योंकि एक दफा जो कर दिया वो कर दिया, जिसके कहने पे भी किया कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस जगह पे आके बोलूं जो मैं नहीं करना चाहती थी। लेकिन मैंने कल भी बोला, परसों भी बोला कि अगर वो जो अब एक ग्रुप बना उसमें से किसी ने भी मेरा नाम लेके या कुछ किया या मेरा कुछ करके फोटो लगा के कुछ भी बोला गलत सलत, तो फिर जैसे उन्होंने बोला था शाहिद उस्मा की फैमिली जो है बात करेगी तो वो किस पे जाएगी बात, क्योंकि वो शाहिद उस्मा की तरफ से बोलते थे तो उसका हरजाना जो है शाहिद उस्मा को भरना पड़ेगा। अब उनके किसी एक ग्रुप मेंबर ने आज वीडियो अपलोड की और उस पे लिखा हमें डैश डैश नाम, मेरे प्यारी फैमिली को पता लग गया होगा क्योंकि मैं नाम लेना नहीं चाहती, उसने हमें रेड अलर्ट दे दिया और फिर मेरे ऊपर बनाई वीडियो और उसपे उन्होंने बोला, उस बंदे ने उसपे बोला कि ये खुद वीडियो बनाती थी, वो हमें उसने बता दिया कि मैं तो कुछ बोलता भी नहीं था, मैंने तो कभी बोला भी नहीं था। ठीक है, मान लिया, प्रूफ दूंगी अभी, ये तो भी आपको 4 से 5 मैसेजेस सुनवाऊंगी, लाखों की तादाद में मैसेजेस हैं, क्योंकि जितनी वो वीडियो बनी थी ना, मैं सोई होती थी रात को उसके थंबनेल नोटिफिकेशन हर चीज आना शुरू हो जाती थी, हर चीज लाखों की तादाद में है, लाखों की तादाद में, 100 और हजारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में है। आज तो आपको सिर्फ 4 सुनाऊंगी शुरू शुरू में। और जो बड़े आजकल बैठ के लाइव पे बातें करते हैं ना, और एक बात मैं आपको एक और मेंशन कर दूं, जब इनकी पहले ड्रामे की सुलह करवाई थी ना तो मैंने भी बढ़ के उनको फोन किया था, मैंने बोला उनको उनका थैंक यू करूं, तो मुझे पता क्या बोला गया था, बाजी किसी को अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं देना, वो भी वॉइस मैसेज साथ ही लगाऊंगी। जब मैंने बोला कि मैंने भी उनको फोन किया है कि बहुत अच्छा काम किया है, तो मैंने जब बताया उस तरफ तो मुझे वो मिला, वो भी साथ ही मैसेज लगाऊंगी, इसमें सब कुछ लगाऊंगी आज कि किस तरह मुझे और क्या क्या चीजें दी जाती थी, कुछ गिने चुने आज आपको सुनाऊंगी। और अगर फिर भी ना चुकी है ना, ये जो रेड अलर्ट उधर से उठा है ना, रेड अलर्ट, अब इसको रेड मैं करके दिखाऊंगी कि ये रेड अलर्ट क्या है, कि अब जो ये आप सारे बैठते हो ना, आप भी गंदे होने के लिए उधर बैठ गए हो, अगर मैं बोलूं तो, अब आप भी सारे वहां पे गंदे होने के लिए बैठ गए हो, क्योंकि अब आपका भी अंजाम वही होगा। हमने तो मुखलस होकर दिल से एक रिश्ता किया था, बहुत मुखलस होकर रिश्ता किया था, लेकिन शायद कईयों के दिल इतने साफ नहीं है, कईयों की नीयतें इतनी साफ नहीं होती। वो सही बात है कि जो अपनों का नहीं वो किसी का भी नहीं, जो अपनों के लिए ये बातें बोल सकता है वो किसी के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो अभी मैं आपको सुनाती हूं जो इस फोन में सेव है मेरे पुराने, तो अभी मैं आपको सुनाती हूं कि वो मैसेजेस क्या थे जो बोला गया ना कि ये मैडम आप खुद करती थी, आप औरत होती थी ये खुद करती थी, उनके मुंह पे भी जूते पड़ेंगे आज। मैं तो आप लोगों का नाम लेना भी पसंद नहीं करती, और आप मेरी पिक्चरें लगा लगा के कर रहे हो ना, तो आप चुल्लू भर पानी में डूब मरना। ये तो भी 4-5 आज आपको सुनाऊंगी ना, लाखों की तादाद में है मेरे पास,
लाखों की तादाद में। मैं कहती थी मुझे उस रास्ते पे ना लेके जाओ, और अब असलियत फिर मैं दिखाती हूँ। मुझे बोला ना कि अगर उसके राज होंगे तो आप मेरे क्या राज होंगे। बहुत से ज्यादा मेरी कोई बेफो फैमिली की पिक्चर्स ही होंगी ना जो मैंने प्यार से उधर भेजी होंगी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, मेरा ऐसा कोई राज है ही नहीं। और मुझे डरने की जरूरत भी नहीं है। हम उन उन जैसे नहीं हैं जो अपनी फैमिलियों को नशर करते हैं। तो चलिए जी, मैं आपको वो जरा सुना दूं कि वो बोला क्या गया है, वो बोला क्या गया हुआ है उन्हीं के मुंह से, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए। और जिसने ये बड़े आज रेड अलर्ट की वीडियो लगाई है ना, शायद उनके मुंह पे भी कोई जूता शूता पड़ी जाए और उनको भी पता चल जाए कि किसी पे। वैसे तो बड़े बैठ के मुंह तो बराना बातें करते हैं ना, अपने में पहले इतनी असलियत पैदा कर लो कि किसी औरत पे कैसे बात करते हैं, कि किसके ऊपर इल्जाम लगाने। तो मत लगाना इल्जाम, लगाना किसी के ऊपर कितना बड़ा गुनाह है, पहले ये सोच लेना। और जो घर में माएं बहनें बैठी हैं ना, उनसे पहले पूछ लेना, फिर किसी पे बात करना, तो फिर यहां पे आना। ओके, और अब ये मैं आपको सुनाती हूं आप सबके सामने, तो अब आप गौर से सारे कान खोल के सुनना। तो ये ले जी, सुने आप गौर से सुनिएगा, सारे खुद ब खुद ऑन हो जाएंगे। वॉल्यूम आपके लिए अप कर देती हूँ। पहला पॉइंट जिहड़ा है ये वेख के इन्हें आख्या भी मर्द का औरत का तनाजे विच किसी नूं नहीं आना चाहिए, मां बाप के तनाजे विच किसी नूं नहीं आना चाहिए। ये तुसी ये पॉइंट नोट करो ते लिखो, इन्हां नूं पुछो कि जदों वडेरी दादी की वजह तो लड़दी हुंदी सी या दादे की वजह तो लड़दी हुंदी सी बाप नाल, ते उदों तुसां बाप के हथ क्यों चुकिया सी, बाजवां ने अबा जी के मुंह च दाने क्यों पाए सन, ते फिर गल विच फा देने की ना कोशिश की थी, पर वो घरों नस के ते अपने भरावों को अपना ले एक दिन या दो दिन फिर जो पीरां कोल चले गए। तुसा क्यों तनाजे उस विच आए सो, पॉइंट नंबर एक। बाकी मैं वेख के फिर दसा। सिर्फ टाइटल ही सुनिए, दो टाइटल ही अजीब अजीब कहते हैं। अब जो ड्रामा शुरू होने वाला है वो भी मैं सारी देखी बाग के हड़ वगता पे, तो बस हाँ रोटी का एक सीन उखाया, बस इन्होंने देखा कि तक कैसा लगता की हाल है। मैं वीडियो देखना पहले पॉइंट भी थोड़ा लिखवाना। पहला पॉइंट जरा ये देख के इन्हें आख्या भी मर्द का औरत का तनाजे विच किसी नूं नहीं आना चाहिए, मां बाप के तनाजे विच किसी नूं नहीं आना चाहिए। ये मां नूं जो ऐसे तुसी ये पॉइंट नोट करो ते लिखो, इन्हां नूं पुछो कि जदों वडेरी दादी की वजह तो लड़दी मतलब अली नूं बाहर दा बंदा समझदे ने, क्योंकि असल हकीकत ते ओही है ना, अली ते बाहर दा ही है ना। ए वी गल तुसी जिहड़ा ओह करनी है, मतलब पॉइंट जिहड़ा सब तो पारी पॉइंट कि अब्बा जी दीआं अक्खां दे बिलकुल सामने कैमरा लग्गिया होया सी, ते उन्हां आख्या सी पुत्तर मेरी आप बीती जिहड़ा ना तूं रिकॉर्ड कर ते दुनिया नूं दस भी इन्हां मेरे नाल किहड़े किहड़े जुलम कीते ने। इस चीज़ दा खुदा गवाह है। इहनूं इह पुछो भी मतलब इह जिहड़ा की ना लईदा करके अली जिहड़ा ओ इरम कोल वीडियो ना बनवावे, अदरवाइज मैं जिहड़ा ओ अली इरम दे सारे चैनल जिहड़े ना ओ डिलीट करवा देवांगा। सुनते जाएं बस आप। अबाजी काम मिल दे टाइटल देख के ते जिहड़ा नूं ऑनलाइन कर दे। ठीक ठाक
चैनल वालियां ने जिन्हों के बारे तुम दसना लाजमी है कि उन्होंने को बच के रखा जाए। सब तो पहले तो तुम ये अपने छोटे वीर का मशुरा ही समझ लो क्योंकि तुम वे हो। तुम अपना सैल नंबर नहीं किसी को देना, वट्सएप नंबर नहीं देना किसी को। चैनल वालियां एक कि पंजाबी मॉम यूएसए उन्हें भी जरा ना पास्ट में साड़ी फैमिली के खिलाफ बहुत बहुत जहर उकया, बहुत गंद बुकया, उन्हें हम बड़ी चढ़ी बन गई करती। तो एक खालसा बाजी है और भी है, थोड़ा जहाँ अपना बचा के बच जी। नंबर नहीं किसी ने देना, वट्सएप नंबर नहीं मतलब किसी ने देना। बड़ी एहतियात न चलना है, बाकी तुम मेरे ना आप ज्यादा कहीं से समझदार हो। अल्लाह ताला सानू सारे नूं अपने गुस्सा नूं माज रखे। सुनते रहे सच पता दी जिन्नी भी मेरे खिलाफ किसी का इतबार नहीं बंदा कर सकता। बहुत केयरफुल, कोई वीक पॉइंट कोई सुराग नहीं चाहता, बहुत केयरफुल रहना तुसा। ये मतलब सिर्फ दावते ने कि शायद अलीगढ़ की सपोर्ट मिल जाए, तो जो इन्हों सपोर्ट सपूर्ट आना ना सौ तो फिर इन्हें अपनी फितरत तो बाहर नहीं आना। इस वास्ते असं कोई वीक पॉइंट नहीं छोड़ना। पंगे लैन की घाटे खा के भी अभी लड़ाई चो निकले तो फसाद अभी डालना ही नहीं चाहते क्योंकि फसाद डालिए तो फिर जो जिंदगी हर वे टेंशन ले। लेकिन सुनते जाए। अच्छा जी, तो अब आप लोगों ने सारा सुन लिया। मैं सुनाना नहीं चाहती थी लेकिन दो तीन दिन से मैं सुन रही थी, कभी ये रिश्ते नहीं होते, कभी वो रिश्ते नहीं होते, रिश्ते अपने ही होते हैं लेने के लिए, बस फिर बनाने पड़ते हैं हमें रिश्ते लेने के लिए, फिर हमें बहुत कुछ करना पड़ता है ना, बस हर चीज फिर वो फिर बंदा मुंह खोले तो फिर बंदा मुंह खोले, लेकिन हम उनके जैसे फिर भी नहीं गिरेंगे। लेकिन जब आज मैंने वीडियो देखी ना उनके उस नए ग्रुप की कि हमें रेड अलर्ट मिल गया है और अब हमने नहीं, तो फिर ठीक है ऐसे तो फिर ऐसे ही सही, अब पकड़ो फिर, अब तो फिर मैं करूंगी। मेरे पास मिलियंस है ऐसे मैसेजेस और कुछ मैसेजेस तो आप भी बैठ के सुनोगे तो रोओगे अब कि ये उसने क्या बोला हुआ अपनी माँ बहन के बारे में या अपने भाइयों के बारे में। तो जिस चीज पे मैं नहीं आना चाहती थी मुझे ये खुद ही उस रास्ते पे डाल रहे हैं। मेरी वीडियो मेरी रूटीन की आ रही थी, मेरे घर की आ रही थी, लेकिन अब जब आप किसी को पोक करोगे ना करते जाओगे, आप किसी को छेड़ोगे, जब मैं आपको रोज कह रही हूं कि मुझे उस तरफ ना लेके जाओ, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहती, लेकिन आप लोग कह रहे हो कि नहीं उस तरफ चलो मैडम उस तरफ चलो, तो अब फिर ठीक है तो आपका हाथ पकड़ के चलूंगी, आपको अपने साथ लेके चलूंगी उस रास्ते पे कि देखो आपने क्या क्या गलतियां की हैं। और अब जो आप सारे बैठे हो ना आप उसी पे चलोगे, अब आप बोलोगे तो उससे बढ़ के जवाब मिलेंगे। जब आप किसी को नहीं छोड़ते तो फिर उसका ये लो ये पकड़ो जवाब। अगर कुछ लोगों ने वैसे ही अनसब्सक्राइब किया, कम व्यूज आने शुरू हो गए हैं, तो ये जो बातें हो रही हैं ना तो फिर इनसे यही होगा। अब जो बाकी के रहे खुचे थे वो भी आपके अपने हाथ में है। जब आप कहते हो ना अपने पांव पे कुल्हाड़ी बंदा मारता खुद ही, वो आप हो। जब आपको हम बोल रहे हैं कि ना ऐसा करो ना ऐसा करो, उस रास्ते पे हमें ना लेके जाओ, तो ये लो फिर पकड़ो, अब कबूल करो। अब तो फिर मगर जब शुरू हो गया तो फिर ठीक है। इनको थी ना कि ये लोगों के मैसेज इसकी रिकॉर्डिंग लगा दो इसकी लगा दो, तो अब अपनी चलेगी तो अपने दिल पे क्या गुजरेगा वो अब फीलिंग लीजिएगा कि अपने ऊपर बंदे की क्या गुजरती है। अपनी प्यारी प्यारी फैमिली से मैं लूंगी इजाजत, मैं अपनी प्यारी प्यारी फैमिली से माफी भी मांगूंगी, मैं इस रास्ते पे नहीं जाना चाहती थी, लेकिन आज एक दो बंदों की वीडियो देख के मुझसे रहा नहीं गया कि ये कि किसी बंदे को ये काम करने देंगे नहीं,
पोख करे जाएंगे, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अपनी प्यारी प्यारी फैमिली से मैं मांगती हूँ माफी, अगर इरम आप ने कुछ गलत बोला हो तो माफ कीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हो क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी फैमिली हो। लव यू माम फैमिली, अल्लाह हाफिज़। और जल्द ही आप लोगों के लिए एक अच्छी वीडियो आएगी, जो मेरी प्यारी प्यारी फैमिली आपके मैसेजेस मुझे आ रहे हैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी, इस पे आप लोगों को नहीं मैं बोलूंगी। इंशाल्लाह आपसे बात करती हूँ थोड़ी देर में। अल्लाह हाफिज़।